नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी 7 न्यूज। खबर प्रयागराज जनपद के नवाबगंज से, जहां खागलपुर में हुई हत्या मामले में आज फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा सुसाइड नोट। जी हां, आपको बता दें कि नवाबगंज के खागलपुर में दो दिन पूर्व एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें सुसाइड का मामला प्रकाश में आया है। फोरेंसिक टीम ने जिस 2 पेज के सुसाइड नोट को बरामद किया था, उसे अब फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुसाइड नोट को राहुल ने लिखा था या नहीं। विवेचक ने सुसाइड नोट की छाया प्रति ली और जांच की। अब मूल प्रति सुसाइड नोट को लैब भेजा जाएगा। दरअसल कुछ लोगों ने बताया था कि राहुल पढ़ा लिखा नहीं था, जबकि कुछ ने उसके इंटरमीडिएट पास होने की जानकारी दी थी। वहीं दूसरी तरफ खौफनाक वारदात के बाद खागलपुर गांव निवासी दद्दू के बेटे अभिषेक की सगाई टल गई। बताया जाता है कि राहुल तिवारी ही अभिषेक और लड़की पक्ष के बीच मध्यस्थता कर रहा था। अभिषेक की सगाई रविवार को होनी थी, मगर इससे पहले ही घटना ने परिवार के खुशियों को काफूर कर दिया, जिसके चलते सगाई फिलहाल रोक दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी 7 न्यूज। आज की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।